साहित्य अकादमी नई दिल्ली और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भक्ति साहित्य और भारतीय समाज विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। संगोष्ठी के समापन अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी के समापन अवसर पर वक्ताओं ने सत्र के विषय बिंदु भक्ति साहित्य वैकल्पिक समाज का स्वप्न पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए मेरा वक्तव्य कोई आमंत्रित हमेशा किसी भी समय की रचना हो, इसीलिए कवि को हमारे यहाँ अपर प्रजापति कहा गया है, कवि को दूसरा ब्रह्मा कहा ही गया है कि उसको जैसा रुचेगा वो ऐसी दुनिया बनाएगा। रचना का काम ही है चल रही व्यवस्था पर सवाल उठाना और उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लोगों के भीतर एक चेतना पैदा करना। कविता मूल रूप से यही, रचना यही करती है। और ये बात हमारे आधुनिक विचारक कहें, हमारे पुराने विचारक कहें, ये तो कहा गया कि रचना एक मॉरल एंगर, रचना एक नैतिक आक्रोश। यह नैतिक आक्रोश तुलसीदास के भीतर भी था, यह नैतिक आक्रोश कबीरदास के भीतर भी था, मीराबाई के भीतर भी था, वसवन्ना के भीतर भी था, शंकरदेव के भीतर भी था, तिरुवल्लुवर के भीतर भी था, जनाबाई के भीतर भी था। तभी एक नया सपना घटित हुआ। कल मैंने बात कही थी, वो बात बार बार हवा में गूंज रही है, भक्त कवियों ने हमारी अवधारणाओं का पुनराविष्कार किया। भक्तों कहा जाता है कि और जगह बहुत बढ़िया, तो निश्चय ही यह भक्ति जो है, जो मध्यकाल के कवि जिस भक्ति को सामने रख रहे थे, वह भक्ति भी पहले से चली आ रही साधनाओं का एक विकल्प ही, जिसमें कोई उपचार नहीं है, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं है, जिसमें कोई घड़ीघंट नहीं है, जो मन से है। वसवन्ना की 12वीं शताब्दी की कविता है जिसमें वो लिखता है कि हे प्रभु मैं क्या करूं, धनी लोग तो मंदिर बना रहे हैं, पंचक्तियां जो झुकी हुई हैं, क्या ये भगवान के सामने झुकी हुई हैं? चिमटे के, आप चिमटा जानते हैं, चिमटे के दोनों हाथ दबाने पर दब जाते हैं, तो क्या वो भगवान के सामने दबते हैं? मैं तो अपनी इस जंगम देह को ही मंदिर बनाना चाहता हूं।